हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक। सो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो बनाए थे प्रीपेड टास्क स्कैम के बारे में, जहां पर जो साइबर अपराधी हैं वो बहुत ही आसानी से लोगों को वर्क फ्रॉम होम का लुभावना ऑफर देते हैं व्हाट्सएप पर, उसके बाद उनको धीरे धीरे जो है ठगी का शिकार बनाते हैं, और ठगी का शिकार भी ऐसा कि लोग लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक इस तरह के स्कैम में गवा देते हैं। तो आज हम समझेंगे प्रीपेड टास्क स्कैम में शामिल एक और नए तरीके के बारे में, जो कि कार रेंटल स्कैम है। इसके पहले क्या होता था, होटल रेटिंग के नाम पर हो, चाहे फ्लाइट रेटिंग के नाम पर हो, या फिर किसी खाने को रेट करने के नाम पर हो, यूट्यूब के वीडियोज़ को लाइक करने के नाम पर हो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के नाम पर हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर हो, या फिर इंस्टाग्राम में किसी प्रोफाइल को फॉलो करने के नाम पर हो, तमाम बड़े बड़े ब्रांड नेम्स का इस्तेमाल करके ये स्कैमर्स एक छोटा सा पोर्टल बनाते हैं, फर्जी पोर्टल बनाते हैं, और उसके बाद आपको ये कहते हैं कि हम लोग जो है वो कस्टमर्स की रेटिंग्स लेते हैं और आपको एज ए कस्टमर वहाँ पर रेटिंग देना है, यानी कि हमारी डिश कैसी है या किसी होटल की सर्विसेज कैसी हैं। जैसे कि गूगल मैप पे जाइए, किसी होटल को सर्च कीजिए, किसी बिजनेस को सर्च कीजिए, और वहाँ पर जाकर के उसको एक 5 सितारा रेटिंग दीजिए और कुछ अपना कमेंट लिख करके आइए, और उसके एवज में आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक ऐसा ही होटल रेटिंग के जो ऐप्स बनाए हुए थे, जिसमें कि बड़े बड़े ब्रांड्स का गोइबिबो, क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप है ना, ट्रिवागो, ट्रिप एडवाइज़र, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड नेम का इस्तेमाल किया गया। उनको बोला गया कि आप इस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कीजिए और वहाँ पर आपको अलग अलग होटल दिखाई देंगे, इन होटल को रेट करना है, 10,000 का इनिशियल डिपॉजिट आपको दिया जाएगा, जो कि आपको इस्तेमाल करके रेटिंग करके कमीशन कमाना है। कमीशन आपको पहली और दूसरी बार में दे भी दिया जाता है, और उसके बाद आपसे बड़ी रकम ठग ली जाती है। लेकिन अब जो है कार रेंटल के नाम पर भी काम कर रहे हैं, सॉकर नाम हुआ, या फिर थ्रिफ्टी नाम हुआ, या फिर जूम कार नाम हुआ, इस तरह के जो नाम बड़े बड़े ब्रांड नेम है। जैसे सॉकर जो है वो मलेशिया में चलता है, थ्रिफ्टी जो है वो यूएसए का कोई ब्रांड है जो कि अलग अलग कंट्रीज में चल रहा है, ऐसे इंडिया का है जूम कार। तो इस तरह के जो, अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तीन अलग इसी ब्रांड पे ही रिस्ट्रिक्टेड होंगे, इस तरह के तमाम ब्रांड नेम का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कार रेंटल के नाम पर ये रेटिंग लेते हैं, और रेटिंग लेने के बाद वहां पर आपके साथ में स्कैम करते हैं। स्कैम होता कैसे है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। इंस्टाग्राम पर अप्रोच करते हैं, फेसबुक पर अप्रोच करते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। कई बार नेशनल या इंटरनेशनल नंबर से आपको मैसेज आता है, आपको बताया जाता है कि हम किसी मार्केटिंग एजेंसी से बात कर रहे हैं, क्या आप प्रतिदिन 3,000 से 5,000 रुपए कमाना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, हमारी जो सर्विसेज हैं यानी कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको हम ये सर्विस देते हैं, क्योंकि वो कार रेंटल वाले क्लाइंट्स हैं, और वहां पर जो अलग अलग कार लिस्टेड हैं उनको आपको रेट करना है, ताकि जो यूजर्स हैं उनको ऐसा लगे कि हाँ ये कार बहुत अच्छी है, इसको मुझे रेंट पर लेना चाहिए। तो इस तरह से वो आपको लुभाते हैं, आपको कहते हैं प्लेटफॉर्म पर आइए, आपको डेली कुछ रेटिंग्स करनी होंगी और उसके एवज में आपको पैसे मिलेंगे। शुरुआत में आपको बता देना चाहता हूं कि ये आपको 10,000 रुपए आपके इस प्लेटफॉर्म पर देते हैं, जो कि वर्चुअल मनी होती है, जिसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आप उस 10,000 रुपए को लगा करके अलग अलग कार्स को रेट करते हैं, और हर कार की रेटिंग में आपको एक उचित कमीशन दिया जाता है। एक कमीशन दिया जाता है, कहा जाता है कि पूरे दिन के बाद जैसे कि आपने 27-28 कार को रेट कर लिया, तो आपको 2,000, 5,000 रुपए, 1,500 रुपए, 800 रुपए, कुछ भी जो भी उन्होंने पर कार की रेटिंग का कमीशन दिखाया होता है वो वहां ऐड करके दिखा दिया जाता है, और आप जब विड्रॉ मांगते हैं तो वो जो विड्रॉल भी सक्सेसफुली आपके अकाउंट में आ जाता है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बता देना चाहता हूं कि ये जो पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, आपको लगेगा कि हो सकता है चलो बहुत अच्छी बात है, कम से कम ये पहले अमाउंट को तो मैं ले ही लूं, 800,000 जो मिल रहा है। तो यहां बता देता हूं कि ये जो पैसा आपके अकाउंट में आता है वो या तो किसी और विक्टिम के खाते से आता है, या फिर किसी मनी म्यूल को जिनको हायर करते हैं, जिनके द्वारा ये पैसों का रोटेशन करते हैं, उनके अकाउंट से आता है, या फिर किसी साइबर अपराध में लिप्त अकाउंट से आता है। तो जब भी कोई साइबर क्राइम में रिपोर्ट होती है तो स्कैमर नहीं पकड़ा जाता, आप पकड़े जाते हो, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे आए। और आजकल तो क्या हो रहा है, अकाउंट को बहुत आसानी से फ्रीज कर दिया जाता है, आपके खुद के जो पैसे हैं वो भी उसमें फंस गए, और जो आपने लिए थे वो तो फंसेंगे ही। और इसके साथ में अगर मोबाइल नंबर आपका वहां पर निकल आता है, तो आजकल क्या कर रहे हैं ये लोग कि मोबाइल नंबर को भी साइबर क्राइम जो है वो पूरी तरह से फ्रीज कर रहा है, बंद कर रहा है। अनफ्रीज करने का अभी तक मुझे तो कोई सलूशन दिखाई नहीं दिया। अब बढ़ते हैं आगे। तो पहले राउंड में इन्होंने आपको 700-800 हज़ार रुपए दे दिए, आप खुश हो गए, आपको लगा तो बहुत अच्छा काम है। अब सेकंड राउंड आपके साथ खेला जाता है, आपको कहा जाता है कि सेकंड राउंड में 10,000 रुपए जो इनिशियल डिपॉजिट है वो आपको लगाना है। लगाने के बाद क्या करना है, वही काम है, कार को रेटिंग्स देनी है, अलग अलग कार को रेटिंग देंगे, टास्क खत्म होता है, फिर से 2-3 हज़ार रुपये आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, या कई मौकों पर ये 7,000 से लेकर 17,000 रुपये तक भी आपको दे देते हैं सेकंड राउंड में। देखो अमाउंट फिक्स नहीं है, लेकिन तरीका समझो, सेकंड राउंड में इस तरीके से काम करते हैं। थर्ड राउंड आता है, वहां पर ये क्या करते हैं, आपसे इनिशियली 10,000 रुपये लगवाते हैं, उसके बाद आपसे
वही वाला रेटिंग का सिलसिला शुरू होता है और तीसरे चौथे राउंड में आकर यानी कि तीसरी चौथी कार को जब आप रेट करते हैं तो आपको एक प्रीमियम कार दिखाई जाती है, यानी कि अब इस कार को अगर आप रेट करेंगे तो आपको इतने रुपए मिलेंगे, यानी कि जो आपको कमीशन मिल रहा था 30 से 50 रुपए पर रेटिंग का, वो आपको हो सकता है 150 से 500 रुपए मिलने लग जाए। लेकिन उसके लिए उसको रेट करने के लिए आपको अपने अकाउंट को रिचार्ज करना पड़ेगा और ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, ग्रेजुअली बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में 10,000 लगवाया, फिर आपसे कहा कि 22,000 लगेगा, फिर आपसे कहा 35,000 लगेगा और वो जो 28 रेटिंग का जो टास्क था उस राउंड में, उस रेटिंग के टास्क में ये लोग आपको कई बार इस तरह से प्रीमियम टास्क दिखाते हैं जिसमें कि आपको मल्टीपल रिचार्जेस करने हैं जो कि लाखों तक पहुंच जाते हैं और कई बार तीसरे राउंड में ही ये आपको 7, 8, 9, 10 लाख रुपए तक का चूना लगा देते हैं। अब क्या होता है, आप अपने 10,000 रुपए को बचाने के लिए 15,000 लगा देते हो, 20,000 लगा देते हो, 20,000 को बचाने के लिए फिर 50,000 लगा देते हो और यहाँ पर क्या होता है, सिलसिला रुकता नहीं है। तीसरा राउंड हो गया, 8 लाख रुपए दिख भी रहे हैं तो वो ये कह देंगे कि अब आपको चौथा राउंड खेलना पड़ेगा। चौथे राउंड में फिर से वही 27-28 रेटिंग के टास्क होंगे और जब भी आप इनसे पैसों के विड्रॉल करने की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आपको पूरे राउंड्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, 4 राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे, लेकिन आप 4 राउंड कभी कंप्लीट कर ही नहीं सकते। यहीं पर ये एक ग्रुप का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि एक टेलीग्राम का ग्रुप होता है जहां पर आपको शामिल करा लिया जाता है, आपके जैसे और भी लोग वहां पर दिखाई देते हैं, आपको विश्वास हो जाता है। क्यों? क्योंकि सामने से लोग स्क्रीनशॉट दे रहे होते हैं, वो कहते हैं कि मेरा तो इतने का विड्रॉल आ गया, मैं इतने का रिचार्ज करा रहा था, 50,000 का अगर मैं रिचार्ज करा लूंगा तो मेरा 1 लाख का कमीशन बन जाएगा। वो स्क्रीनशॉट जो है, विनिंग स्क्रीनशॉट जो है, वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं, आपको विश्वास मिलाते रहते हैं, आपको लगता है कि आपके जैसे और भी लोग खेल रहे हैं, उनको तो पैसे मिल रहे हैं तो आपको भी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो सारे लोग जो ग्रुप में बैठे होते हैं वो फर्जी होते हैं। कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जो आपको आगे खेलने के लिए मदद का भी ऑफर करेंगे, आप बोलोगे मेरे पास पैसे नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, उस ग्रुप में एक रिसेप्शनिस्ट असाइन की जाती है आपको जिसके थ्रू आप ये पैसों का लेन देन कर रहे होते हो, वो हर बार आपको नया अकाउंट देती है पैसे देने के लिए, यानी कि जो पैसे आप उनको दे रहे हो वो प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करके नहीं देते हो, वो हमेशा आप जो है उनके बताए हुए अकाउंट्स में डालते हो। और ज़्यादातर जो ये अकाउंट होते हैं वो शुरुआत में मनी म्यूल्स के होते हैं या फिर दूसरे विक्टिम्स के होते हैं और बाद में ये करंट अकाउंट्स देते हैं जो कि आम तौर पर आजकल ICICI और यस बैंक के ही होते हैं जिसमें कि ये पैसा मंगाया जाता है। अब इन पैसों को वहाँ मंगाने के बाद वहाँ से इस पैसे को रोटेट करके क्रिप्टो करेंसी खरीदवा दी जाती है और वो पैसा सिस्टम से बाहर निकल जाता है। और तो और ऐसा भी होता है कि लाखों रुपए लेने के बाद भी ये आपको नहीं छोड़ते, जब आप कहते हो सारे टास्क कंप्लीट हो गए अब तो पैसे दे दो, तभी आपसे कहते हैं कि आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि आपका मान लीजिए 10 लाख रुपए लग गया तो ये कहते हैं कि 3 लाख रुपए और दो। क्यों दो? क्योंकि टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अगर आप टैक्स भी पे कर दो तो भी इनका सिलसिला रुकता नहीं है, फिर ये बोलते हैं पेमेंट हैंडलिंग चार्ज दे दो जो कि आपका 50% है, यानी कि हम आपके बैंक में ट्रांसफर करेंगे, अमाउंट 2 लाख से अधिक का है तो इसके लिए भी आपको एक एक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा जो कि रिफंडेबल है। तो यानी कि इनको पैसे वापस करने नहीं है, आपने एक अमाउंट दे दिया, अगले स्टेप पे नई चीज़ हाजिर है वो भी दे दिया, फिर नई चीज़ हाजिर है वो भी दे दिया, फिर नई चीज़ हाजिर है, ये तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक कि आप दम ना तोड़ दें, जब तक कि आप ये कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। आप क्या करते हो, आप अपने पैसे को बचाने के लिए शुरुआत में अपनी जमा पूंजी लगाते हो, बाद में संभावित सभी क्षेत्रों से लोन ले लेते हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या जो भी, जहां से भी आपको आसानी से लोन मिल सकता है। फिर आप दोस्तों रिश्तेदारों की तरफ रुख करते हो, वहां से पैसे निकालते हो, कलीग से पैसे निकालते हो, मम्मी पापा के अकाउंट से पैसे खंगालते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपने पैसे बचाने होते हैं। और ये कहानी इकलौती कहानी नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो स्कैम है, कोई भी कार रेंटल कंपनी इस तरह से रेटिंग करा करके एक पैसा किसी को नहीं देती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने सॉकर का बताया तो आप समझेंगे कि यार सॉकर फ्रॉड है, क्योंकि ऐसा है, कन्विंस करते हैं जब भी आप इस तरह का वीडियो उनके पास पेश करते हो कि देखो मैंने ये वीडियो देखा था और वहाँ पर मैंने देखा कि ये सॉकर कंपनी तो फ्रॉड है। सॉकर कंपनी फ्रॉड नहीं है, सॉकर कंपनी का लेना देना ही नहीं है यहाँ पर, वो जानते ही नहीं है कैसा कुछ चल रहा है, क्योंकि ये लोग भी हर महीने ब्रांड नेम बदलते रहते हैं, चाहे वो ट्रैवल डोमेन रहा हो चाहे कोई भी डोमेन रहा हो, हर डोमेन में हर महीने ये लोग ब्रांड नेम बदलते रहते हैं। और वो जो ब्रांड है वो किसको ढूंढने जाएगा, क्योंकि ये बंदे कहीं बैठे हैं मलेशिया में, लाओस में, दुबई में, और वहां से बैठ करके इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। इनकी जो वेबसाइट होस्टेड होती है क्या करोगे, ज्यादा इनकी वेबसाइट को बंद करवा दोगे, डोमेन को ब्लैकलिस्ट करा दोगे, नया डोमेन बना लेते हैं। तो लोगों को जो है कन्विंस करने के लिए जो शुरुआती दौर में पैसे मिले होते हैं उससे ये भरोसे में आ जाते हैं और आगे पैसा लगाते चले जाते हैं। और शुरुआत का 10-20 हज़ार रुपये लगाया
उसको बचाने के लिए 50,000 लगाया, 50,000 लग गए, और बचाने के लिए 2,00,000 लगाया, 2,00,000 बचाने के लिए 5,00,000 लगाया, ऐसे करते 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 ये करोड़ों तक भी पहुंच सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास रोजाना ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि आज भी इस तरह के स्कैम में फंस रहे हैं, इतनी अवेयरनेस होने के बाद। अब तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मीडिया में नहीं आता, अखबार में नहीं आता। मैंने खुद ने इतने वीडियोस बनाए 1.5 साल के अंदर अंदर कि आप कोई भी सर्च करो, चाहे होटल रेटिंग का सर्च कर लो, फ्लाइट रेटिंग का सर्च कर लो, मेरे वीडियोज वहां पर मिलेंगे। और मेरे जैसे तमाम इन्फ्लुएंसर्स ने इस तरह के वीडियोज बनाए हैं, तमाम भुक्तभोगियों ने ऐसे वीडियोज बनाए हैं। अब वो आप नहीं देख रहे हो तो भाई देखो, उसमें कुछ नहीं किया सकता, लेकिन इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मेरे वीडियोज में आने वाले ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो या तो फंस चुके होते हैं या फंसने के प्रोसेस में होते हैं, काफ़ी नुकसान कर चुके होते हैं, और एक ही शब्द होता है कि मेरा तो ये करने का मन कर रहा है, मैं तो मरना चाहता हूँ, मैं तो वो करना चाहता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले अगर आप ठगे गए हैं तो साइबर क्राइम में कंप्लेंट कीजिए, यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे साइबर ठग और घूम रहे हैं जो कि मनी रिकवरी के नाम पर भी आपको अप्रोच करेंगे, इंस्टाग्राम पे करेंगे, फेसबुक पे करेंगे, या फिर यूट्यूब पर जहाँ भी आप कमेंट करोगे कि मेरा पैसा चला गया, तो नीचे लिख देंगे कि मैं रिकवर करा दूंगा, मैं वकील हूँ या मैं हैकर हूँ। सब फर्जी है। आपको सिर्फ एक काम करना है, 1930 पे कॉल कीजिए, नहीं लगता cybercrime.gov.in पे जाइए, वहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, कैसे करना है पहले देख लीजिए। सही तरीके से नहीं करोगे तो भी कंप्लेंट क्लोज हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्ट कीजिए, अगर सिस्टम में पैसा है रिकवरी होगी, सिस्टम में पैसा नहीं है यकीन मानिए रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। हालांकि साइबर क्राइम अपने स्तर से बहुत ज्यादा अभी प्रयास कर रहा है, नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा बाइनेंस को भी बंद किया गया इंडिया के अंदर, जिसके थ्रू ज्यादातर ये पैसा कन्वर्ट किया जा रहा था, यानी कि इंडियन लोगों से अपराधियों ने पैसे लिए, लेने के बाद उसको बाइनेंस के थ्रू जो है ये लगवाते थे, वहां से ये क्रिप्टो खरीदवा करके उस पैसे को बाहर निकालते थे। तो इंडिया में तमाम सारी अनऑथराइज जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है ऐसी क्रिप्टो एक्सचेंज को भी बंद कर दिया गया है, जिसमें कि बाइनेंस एक मुख्य नाम था। तो उम्मीद करता हूं कि प्रीपेड टास्क स्कैम में चाहे कोई भी प्रारूप हो, लालच में मत पड़िए। एक ही कारण होता है इसमें फंसने का, वो है लालच। शुरुआती दौर में मिले हुए रिटर्न को हम ये नहीं समझ पाते, हमको लगता है कहते ना वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटना, तो ये शुरुआत में मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं, और वो भी अपनी जेब से नहीं बांटते हैं, वो भी किसी और विक्टिम या किसी और ऐसी जगह से बांटते हैं जिससे कि फंसने वाले आप ही होते हो। पैसा भी आपका गया, बाद में साइबर केस भी आपके अगेंस्ट बन रहा है, क्योंकि आपके पास जो पैसा आया है किसी और विक्टिम का आया है, विक्टिम ने कंप्लेंट किया, कंप्लेंट आपके नाम पर हो गई, और आप वहां भी ट्रेवल कर रहे होते हो। तो बचो, वीडियो को शेयर करो दोस्तों रिश्तेदारों तक, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने नीचे, अलग अलग और बड़े वीडियो देखना है, डिटेल में देखना है कैसे कैसे ये फंसाते हैं, क्या क्या ये करते हैं, सब कुछ मौजूद है इस चैनल पर। और खासकर प्रीपेड टास्क स्कैम के बारे में तो मैंने डिटेल में एक एक चीज बताई हुई है, प्लेलिस्ट में जाओगे आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और दोस्तों रिश्तेदारों तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर किया कीजिए। लालच में मत आना, वही कारण है इस तरह के लाखों रुपए की ठगी का।